ऐसा क्या हुआ कि एक महिला को थाना प्रभारी की आरती उतारनी पड़ी। रीवा के सिटी कोतवाली थाने का मामला है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज और हम बात कर रहे हैं रीवा की। रीवा सिटी कोतवाली थाने से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला अपने पति और दो बच्चियों के साथ हाथ में आरती की थाली लेकर थाने पहुंची और थाना प्रभारी के कक्ष में बैठे सिटी कोतवाली TI JP पटेल की आरती उतारने लगी। इस दौरान वहां मौजूद महिला का पति बार बार मोबाइल कैमरे के सामने लाडली बहनों का जिक्र करता दिखाई दे रहा है। महिला की आरती उतारने के बाद थाना प्रभारी नाराज हो गए और कैमरे के सामने पुलिस की पोल खोल रहे शख्स से खींचातानी करने लगे। इसके बाद घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर रहे शख्स का मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया। सिटी कोतवाली थाने से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ हाथ में आरती की थाली लेकर सिटी कोतवाली थाना परिसर में प्रवेश करती है। इस दौरान महिला के साथ मौजूद उसका पति, जिसने थाने के सामने खड़े होकर मोबाइल पर लाडली बहनों की दुहाई देते हुए पुलिस पर कार्यवाही न करने के आरोप लगाते हुए महिला और दो बच्चे समेत थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और सीधा थाना प्रभारी JP पटेल के कक्ष में दाखिल हो जाते हैं। महिला का पति महिला से थाना प्रभारी JP पटेल की आरती उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद महिला ने थाना प्रभारी की जल्दी से आरती उतारी। तभी थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते थाना प्रभारी अचानक नाराज हो गए और महिला के साथ थाने पहुंचे उनके पति को खींचते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगे और इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे एक दूसरे शख्स का थाना प्रभारी JP पटेल ने मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। तभी अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गई और इस घटनाक्रम का पूरा मोबाइल कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले पर जब सिटी कोतवाली थाना प्रभारी JP पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अनुराधा सोनी अपने पति कुलदीप सोनी और दो छोटी बच्चियों के अलावा चार अन्य लोगों के साथ थाने पहुंची और मेरे कक्ष में प्रवेश कर आरती उतारने लगी। इसे रोका गया लेकिन वह नहीं मानी और बीते दिसंबर माह 2023 में महिला खुद के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत करने थाने आई थी। महिला अनुराधा सोनी ने नौकर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की थी। थाना प्रभारी JP पटेल का ये कहना है कि पुलिस ने जनवरी 2024 में FIR दर्ज की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब वह अब तक फरार है। जानकारी यह भी है कि बीते कल में आरोपी की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी हो चुकी है और आरोपी के गिरफ्तार न होने के चलते नाराज कुलदीप सोनी और उसकी पत्नी अपनी दो बच्चियों के साथ थाने पहुंचे और बेइज्जती करने के उद्देश्य से आरती उतारी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला इस बात पर है कि धोखाधड़ी के केस में जो आरोपी है उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है तो उसके बाद परिजन काफी ज्यादा नाराज नजर आए।